हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्माक्वेरीज। इन दिस वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जो करंटली एक इंसिडेंट हुआ है गैम्बिया, जो कि वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्री है, वहाँ पे क्या हुआ है कि कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की डेथ हो गई है। और WHO ने एक अलर्ट जारी किया है जिसमें वो कह रहा है कि इंडियन कफ सिरप है और इंडियन कंपनी द्वारा बनाई गई कफ सिरप से कुछ बच्चों की वहाँ डेथ हो गई है। तो इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, उनके वो एक अलर्ट जारी किया है WHO ने। तो इस पर ये वीडियो है, इसमें क्योंकि जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। तो अपन इसमें पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी कफ सिरप्स है, उसमें ऐसा क्या जो टॉक्सिक सब्सटेंस मिला दिया है जिसकी वजह से उनको डेथ हो गई है, क्या सिम्टम्स आए उनको, ठीक है। और अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है तो मिलाते क्यों हैं, क्या उसका कोई यूज़ भी है, फ़ायदा भी है। सो 29th ऑफ सेप्टेम्बर को WHO का मेल आया कि गैम्बिया में 66 बच्चों की डेथ हो गई है इंडियन कफ सिरप पीने से, और कफ सिरप बनाती है वो मेड इन फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि हरियाणा सोनीपत की एक कंपनी है, वो ये कफ सिरप बनाती है। और उन कफ सिरप में क्या टॉक्सिक सब्सटेंस था जिसकी वजह से डेथ हुई, तो WHO ने बोला है कि वो कफ सिरप को विड्रॉ किया जाए वापस मार्केट से और उसके बारे में अवेयर किया है। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी चार कफ सिरप है जिनकी वजह से 66 बच्चों की डेथ हुई है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले है प्रोमेथाजीन ओरल सॉल्यूशन, सेकंड नंबर पे है कॉफेक्सिमलिन बेबी कफ सिरप और मैकॉप बेबी कफ सिरप, मैग्रिप इन कोल्ड सिरप। ये चारों सिरप जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये सारों चारों कप सिरप पीने से इन बच्चों की डेथ हुई है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें कौन सा एक केमिकल सब्सटेंस है, कौन सा ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस मिला हुआ है जिसकी वजह से डेथ हुई है। तो लेबोरेटरी एनालिसिस में उन्होंने पाया कि उसमें दो टॉक्सिक सब्सटेंस मिले हैं, एक डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसमें अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल था। अब WHO ने ये मेंशन नहीं किया है कि कितना अमाउंट था, लेकिन लिमिट से ज़्यादा था ये बताया है। अब डाइथाइलिन ग्लाइकोल की लिमिट क्या होती है, क्या ये यूज होता है, कैसे टॉक्सिसिटी करता है, तो देखते हैं। डाइथाइलिन ग्लाइकोल एक केमिकल कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है, जो कि कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, मीन्स उसका ना तो कोई कलर होता है ना कोई उसकी गंध होती है, लेकिन वो स्वीट इन टेस्ट होता है, टेस्ट उसका स्वीट होता है। तो स्वीट टेस्ट की वजह से उसको एज ए स्वीटनर यूज करते हैं, ठीक है। इसको एज ए स्वीटनर कफ सिरप्स में यूज करते हैं ताकि बच्चे उसको आसानी से पी जाए। अब और भी बहुत सारे स्वीटनर्स हैं, अगर इनके इतने साइड इफेक्ट्स हैं तो यही क्यों यूज किए, तो इन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो और जो भी स्वीटनर्स है वो इसकी तुलना में महंगे होते हैं और ये स्वीटनर सस्ता भी है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, क्या क्या सिम्टम्स है, तो डाइथाइल ग्लाइकोल को एक ज्यादा अमाउंट में लेने पर जिसकी लिमिट है 0.14 mg पर kg, ये लिमिट एज ए स्टैंडर्ड तय की गई है कि इसके ज़्यादा अगर अमाउंट में कहीं पे भी मेडिसिन में यूज करते हैं तो वो टॉक्सिक इफेक्ट दे सकता है, इट मे बी सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे बड़ा जो सबसे मेन सिम्टम्स है जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है वो है एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी मतलब इमीडिएट किडनी इंजरी, जो कि अचानक से होती है विद इन कुछ सम आवर्स और विद इन सम डेज, ठीक है। तो इसकी वजह से डेथ हो जाती है। और इसके सिम्टम्स में है एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया और CNS पे भी इफेक्ट करता है जिससे कोमा हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से, इस सब्सटेंस की वजह से, क्योंकि ये सब्सटेंस कई डेवलप्ड कंट्री में बैन कर दिया गया है, लेकिन आज भी कई डेवलपिंग कंट्री है जिनमें ये सब्सटेंस एज ए स्वीटनर यूज करते हैं, लेकिन इस लिमिट में यूज करते हैं। तो इंडिया ने अभी तक इसको बैन नहीं किया है, इसलिए इंडिया की कंपनीज इसको यूज करती है और कई कबार इसका लिमिट से बाहर भी यूज हो जाता है, तो वो बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट्स देता है। अब हम देखेंगे कि इतने साइड इफेक्ट होने के बाद भी सिर्फ सस्ता होने के कारण क्या फार्मा कंपनीज इसको यूज करती है।
तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इंडियन कंपनीज का, इंडियन मेडिसिन का बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड फेथ है और बिलीफ है, तो ये इंडियन अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल के टॉक्सिक इफेक्ट ये पहली बार नहीं है। इसका इंडिया में भी एक दो बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें डेथ भी कॉज हुई है। तो एक बार 1986 में बॉम्बे के हॉस्पिटल में 22 पीपल की डेथ हो गई जिसकी वजह से डाइथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि एक स्वीटनर सिरप पीने की वजह से हुई थी। और दूसरा इंसिडेंट 2020 में जम्मू कश्मीर में हुआ था, वहाँ पे 12 बच्चों की डेथ हुई थी, वो भी डाइथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से हुई थी। वो एक सिरप में मिला था जो कि बाद में लेबोरेटरी एनालिसिस से पता चला कि इसमें डाइथाइलिन ग्लाइकोल था। उसके बाद भी इंडिया में बैन नहीं है ये चीज़ें, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो जब WHO का ट्वीट आया उसके बाद जो CDSCO, जिसको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की है, उसने इंक्वायरी स्टार्ट करी है। और हरियाणा गवर्नमेंट का भी ट्वीट आया जिन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट करी है। चूँकि इंडियन मेडिसिन का बहुत बिलीव है तो इसको बरकरार रखें। आप अपने आसपास अवेयरनेस फैलाएं, खुद अवेयर रहें मेडिसिन के बारे में। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।